मोहित के इस डेथ सर्टिफिकेट पर नजर डालिए। ये डेथ सर्टिफिकेट दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जारी किया है। इसमें साफ शब्दों में मोहित की मौत की वजह डेंगू बताई गई है। मोहित की मौत अग्रसेन अस्पताल में 27 सितंबर को रात में 4 दिनों की जिंदगी की जद्दोजहद के बाद हुई। आप ये सोच रहे होंगे कि एक शख्स की मौत की वजह का जिक्र क्यों किया जा रहा है। ये डेथ सर्टिफिकेट हरियाणा और दिल्ली सरकार के आंकड़ों के खेल की पोल खोल रहा है। हरियाणा सरकार जहां अपने आंकड़ों में करीब पिछले 10 दिनों से 2 मौतों पर अटकी है, वहीं दिल्ली सरकार का आंकड़ा 17 से आगे बढ़ नहीं पा रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब हर रोज मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं हर रोज कोई ना कोई मौत भी सामने आ रही है। मंगलवार को तो यहाँ से गया था, बोले अंकल मेरे शरीर में बदन में पेन है। मैंने डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया, अगले दिन बोले ज्यादा पेन है, तो फिर मंगल को एक ब्लड टेस्ट करवाया, ये डेंगू मिला है। तो फिर इसको डेंगू होने के बाद डॉक्टर ने एक दिन ट्रीटमेंट किया, पोजिशन डाउन आती चली गई। फिर मैंने उसने महाराजा अग्रसेन पश्चिम विहार में पंजाब विभाग में एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। आज रात को डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। सरकार जहां डेंगू से हुई मौत पर आंकड़ों की खेल में उलझी है, वही मोहित की मौत ने पूरे परिवार के साथ उस पिता को भी तोड़ कर रख दिया जिसके जीने का एकमात्र सहारा था। माँ की 10 साल पहले ही मौत हो गई थी। चाचा ने पढ़ाई के लिए अपने पास दिल्ली में रखा था, जहां 21 सितंबर को सिर में दर्द की शिकायत के बाद उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डेंगू कंफर्म होने के बाद महाराजा अग्रसेन अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ने के बाद मोहित ने इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरे पास लेता है। परिवार में कितने जने हैं और बहन भाई? नहीं, ये इनकी मम्मी पहले बचपन में एक्सपायर हो गई थी और एक बहन एक भाई है, भाई एक्सपायर हो गया, अभी बहन बहन रहेगी इसके। डेंगू ने लाडले को लील लिया, परिवार के साथ गांव दुख में डूब गया है। गांव वाले सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर सरकार और प्रशासन की नींद कब टूटेगी? क्या सरकार को और मौतों का इंतजार है, या मौतों को दबाने के लिए इसी तरह आंकड़ों के खेल में लगी रहेगी? टोटल न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जंदल की रिपोर्ट।